आप ये देखे धमकियां दे रहे हैं, आपको भी बता देंगे। अफ्तारी इंशाल्लाह यहीं पे होगी या हवालात के थ्रू। उन्होंने हमें एफआईआर की धमकी दी, हम वीडियो बना रहे थे उनकी के ये देखें पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसी मामला के अंदर गर्मा गर्मी हो गई और मैंने कहा फिर अगर इधर अफ्तारी नहीं होगी ना फिर अफेयर करवाएं जेल में अफ्तारी कर। ट्रैफिक में हमारे लड़के कंट्रोल करते हैं क्योंकि ट्रैफिक ऑर्डर भी अफ्तारी टाइम अफ्तारी करने चले जाते हैं, सिग्नल जो है वो ओपन रहता है, फिर हमारे लड़के वॉलंटियर ज़्यादा तौर पर ट्रैफिक क्लियर करते हैं यहाँ से। मेरी तरफ से भी गलती हुई है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि ये शख्स एक वार्डन के साथ कोई गर्मा गर्मी कर रहे होते हैं। वो वार्डन इनको कहते हैं कि यहाँ जो है अफ्तारी का सामान उठाकर ले जाएं, लेकिन ये बाजिद होते हैं कि मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ, कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मैं यहीं अफ्तारी करवाऊँगा, अफ्तारी यहाँ होगी या जेल में। मेरे साथ आमिर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इतने अग्रेसिव क्यों थे, क्या मामला हो गया उस वार्डन के साथ कि इतनी गर्मी सर्दी होगी कि जेल में अफ्तारी होगी या यहाँ, क्या मामला था, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, क्या मामला था कि आप इतने गुस्से में क्यों थे, क्यों उस वार्डन ने आपकी अफ्तारी जो है वो कहा कि इसको यहाँ से उठा लें? दरअसल वाकया ये हुआ है कि जब हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की है ना, तो वार्डन वाले भाई आए हैं, उन्होंने पूछा आप किसकी तरफ से आए हैं। हमने उनको बताया कि हम बिस्मिल्लाह फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने पहले अप्रिशिएट किया, फिर वो अपनी ड्यूटी पे चले गए वहाँ पे। फिर वहाँ से वो वापस आते हैं, वो हमारी गाड़ी की तस्वीर लेते हैं जो हम सामान वहाँ से उतार रहे होते हैं, तो वो तस्वीर अपने जो है पुलिस का जो उनका व्हाट्सएप है उसमें सेंड करते हैं। वहाँ से जो उनका इंचार्ज है इस एरिया का, वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक रोड पर ब्लॉक हो जाएगी, इनको रोड पर अफ्तारी मत करवाने दें, जबकि हम तो ग्रीन बेल्ट के ऊपर अफ्तारी करवा रहे थे। तो वहाँ से वो वॉइस सुनकर ना आते हैं और कहते हैं यहाँ से आप ना इसको रिमूव कर लें। हम उनको कहते हैं सर अब तो 15 मिनट रह गए पीछे अफ्तारी के अंदर, तो हम कैसे रिमूव कर दें, लोग बैठ गए इनके सामने से, हम कैसे सामान उठा लें, तो ये आज हमें करने दें, कल हम आप परमिशन लेकर आ जाएंगे, कल हम इंशाल्लाह इधर ही करेंगे अफ्तारी। पर वो नहीं मानते हमारी बात और हमें भी गुस्सा इसी से होता है यार, एंड टाइम पे आकर या तो मैं पहले टाइम में रोकते जब गाड़ी 5 बजे आ गई थी, 1 घंटे बाद आप आके हमें कह रहे हैं यहाँ से रिमूव करें, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इस पर उन्होंने हमें एफआईआर की धमकी दी क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे उनकी कि ये देखें पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप मैं आप पे एफआईआर दे दूंगा। तो मैंने कहा आप एफआईआर दे दें, कोई मसला नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपने अफसर ने बाला का नोटिस पे जवाब तल कर रहे हैं, हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। आप इस ना करें, आप मुझे अपने अफसर का नंबर दे दें, मैं उनसे रब्ता करके ना उनसे परमिशन ले लेता हूँ जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया मना करने का। तो वो नंबर भी नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे आप जाके परमिशन लेकर आएँ, परमिशन। अब हमें तो नहीं, हम 5 साल से यहाँ अफ्तारियाँ करवा रहे हैं, 5 साल से हम ये काम कर रहे हैं, हम कभी ज़रूरत नहीं पड़ी परमिशन की, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि परमिशन लेकर आएँ। तो मैंने उनसे पूछा परमिशन किससे लेनी है, तो उनको उन्होंने ये भी नहीं बताया कि परमिशन किससे लेनी है। तो इसी मामला के अंदर गर्मा गर्मी हो गई और मैंने कहा फिर अगर इधर अफ्तारी नहीं होगी ना फिर आप अफेयर करवाएँ जेल में अफ्तारी करते हैं, यहाँ होगी अफ्तारी या जेल में होगी अफ्तारी होगी। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो वीडियो में देखा तो वीडियो ख़त्म हो गई, क्या अफसरान आए या आप जेल गए या अफ्तारी यहाँ हुई, क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने वायरलेस की, बाकी जो ड्यूटी पे थे नज़र साहब थे उनके, वो आए हमारे पास, उन्होंने पहले मेरी बात भी सुनी, उनकी भी सुनी, और नज़र साहब की मौजूदगी के अंदर भी वो काफ़ी गर्मा गर्मी कर रहे थे। तो मैंने नज़र साहब को कहा अब आप आ गए, या तो ये आप बात करें या ये बात करें, आप देख लें आपका इनका रवैया कैसा है। तो नज़र साहब ने हमारी बात सुनी, कहा आप गारंटी दे दें यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर ये कि ट्रैफिक ब्लॉक होगी। मैंने कहा मेरे वॉलंटियर्स खड़े हैं, ये ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, आप मैं गारंटी देता हूँ। उन्होंने गारंटी मेरी मानी और वो चले गए उनको लेकर, हमने अफ्तारी भी यहाँ पे की। फिर अगले दिन हमने हमारे से SP मियां सुहेल साहब हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आप अफ्तारी करवाएं ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। फिर DSP सर्कल क्रीम मार्केट, उन्होंने मोहम्मद आजम साहब, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप अफ्तारी करवाएं कोई मसला नहीं। आपके दस्तरखान पर भी वो आए? दस्तरखान पर उनके जो ट्रैफिक इंचार्ज है वो आए थे कल, और उन्होंने अप्रिशिएट भी हमें किया, और परसों जो वाकया हुआ उस पर उन्होंने कहा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके बाद अब कोई मसला मसाइल आपको पेश आ रहा है यहाँ अफ्तारी करवाने में? नहीं, उसके बाद कोई मसला नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी अफ्तारी हुई है, आज भी अफ्तारी होगी इंशाल्लाह ताला, और ट्रैफिक में हमारे लड़के कंट्रोल करते हैं क्योंकि ट्रैफिक ऑर्डर भी अफ्तारी टाइम अफ्तारी करने चले जाते हैं, सिग्नल जो है वो ओपन रहता है, फिर हमारे लड़के वॉलंटियर ज़्यादा तौर पर ट्रैफिक क्लियर करते हैं यहाँ से। मैं जब देख रहा था कमेंट्स पढ़ रहा था, वो काफ़ी लोग कह रहे थे पुलिस वाला राइट पे है, पुलिस वाला राइट पे है, और आप उनके साथ गर्मा गर्मी कर रहे हो। तो इसमें कई ऐसी चीज़ें थी वो मैंने वीडियो के अंदर रिमूव कर दी, जो उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, जो उन्होंने हमसे बातें की वो मैंने रिमूव कर दी, क्या उनकी दो या नौकरी का इशू ना बने, ताकि वो भी हमारे मुहाफिज़ अपनी ड्यूटी, उनको अफसर से ऑर्डर आया हुआ था इसलिए वो अपने ऑर्डर पे फॉलोअप करवा रहे थे।
पर वो जो अपनी जज्बात के अंदर कई ऐसी बातें कह गए जो मैंने सुनी, नज़र साहब जो ड्यूटी पे आए बाद में आए उन्होंने भी सुनी, उनके अफसरान बाला भी आए उन्होंने भी सुनी, नज़र साहब जो इधर खड़े हुए थे उनके साथ सिपाही थे वो जब आए ना तो उनको मैंने बताया, क्योंकि उनके चेहरे पर भी सुन्नत रसूल थी, नज़र साहब के चेहरे पर और मेरे चेहरे पर भी। तो मैंने कहा इन्होंने, अगर मैं अभी गर्म हो रहा हूँ ना तो इन्होंने सुन्नत रसूल का सबसे पहले मेरे पर ना उंगली उठाई है, इस वजह से मैं गर्म हो रहा हूँ। बहरहाल वो नज़र साहब ने कहा आप कोई नहीं कंप्रोमाइज़ करें, तो उनको ले कर कंप्रोमाइज़ हुआ अपने तारीख भाई। क्या समझते हैं कि ये जो मुलाजमीन होते हैं जो ये बड़े अग्रेसिव होते हैं लेकिन इनके अफसराने वाला बड़े नरम दिल का मुजाहरा करते हैं और तमाम जो मामला होते हैं उसको समेटने की कोशिश करते हैं? दरअसल बल्ला क्या, ये लोग सुबह से ड्यूटी पर खड़े होते हैं और अफसर बाला जो ऑफिस में होते हैं, तो अब हम भी खड़े हैं ना, अभी हमें यहाँ पे 10 लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, एक बंदा आएगा हमें अप्रिशिएट करेगा, तो ऐसी तरह होता है। वो उस दिन बस मामला ऐसे हुआ कि अफ्तारी का टाइम भी था और अफ्तारी के रोज़ा बंद रखा हुआ था, तो गर्मा गर्मी इसी मामले में होगी। मैं इसमें उनका कसूर नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से भी गलती हुई है, मामला आपके हल हो गए सारे मसले। जी नाज़रीन, हमारे साथ बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के जो ऑनर चेयरमैन है वो हमारे साथ मौजूद थे। इनकी वीडियो एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी जिसमें तमाम तर सूरत हाल से इनसे जानने के लिए आए थे कि हुआ क्या था आखिर। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलत फहमी थी, जिसके बाद वो तमाम जो चीज़ें, बेशक जो हमारे वार्डन है वो भी तमाम दिन ड्यूटी करने के बाद काफ़ी जो उकता जाते हैं, और बड़ा अच्छा किया उनके अफसराने बाला ने आके इस मौके पर तमाम गुफ्तगू को, तमाम मामलात को समेटा और इस टाइम जो है ये अपने तमाम जो काम है उनको सर अंजाम दे रहे हैं।